मुशायरे और कवि सम्मेलन की अगली कड़ी में हम बिना किसी देरी के और हमारे जो भी शायर और जो भी कवि हैं, और एक चीज का मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमारा कोई शायर जो इस मंच की आज रौनक बढ़ाने वाले हैं सिर्फ वो शायर नहीं है, वो कवि भी है। और कोई कवि सिर्फ कवि नहीं है, वो शायर है। कवि आपको गजल सुनाएगा और शायर आपको कविता सुनाएगा एक शेर के साथ कि एक मजाहिया शेर के साथ, और आप लोग उसे ढूंढते रहेंगे कि हिंदी में उर्दू का जबर ढूंढ रहे हो और नमकीन पकाना शक्कर ढूंढ रहे हो। और इसी के साथ जो मैं मंचापूर्ति के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया है, और मैं इस मंच के जो मेरे चांद और सितारे हैं, जो मेरे स्टार हैं, जो आपको पूरी रात जगाएंगे भी और गुदगुदाएंगे भी, और ये दावा है कि वो नींद नहीं आने देंगे आपको, उस कड़ी में सारे लोग यहाँ हैं, मौजूद हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका नाम पुकारूं, आप लोग भी चाह रहे होंगे, चाह रहे तो यार ताली बजाते रही, मैं बुलाता हूँ। हौसला अफजाई किया, अगर आपने हौसला अफजाई नहीं किया, इसलिए कि जो कवि या शायर जो होते हैं वो किसी चीज के मोहताज नहीं होते, उन्हें तालियां मिलती रहे वो खड़े रहेंगे इसी मंच पर, और हर मंच पर, दुनिया के हर मंच पर खड़े रहेंगे, लेकिन आप हौसला अफजाई अपने तालियों से करते रहें। मैं नाम पुकारता हूं हमारे सबसे वरिष्ठ, और मैं नाम लेना चाहता हूं जनाब के अग्निहोत्री साहब का, आप मंच पर आए। और इसी कड़ी में हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए जनाब दुर्गेश दुबे साहब आए हैं। अगली कड़ी में मैं नाम लूंगा इस मुशायरे कवि सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाले और मेरे बड़े भाई, और वो कवि भी हैं, और आपको जान के ये खुशी भी होगी कि हमारे जेसीआई शाहगंज संस्कार के एक पदाधिकारी भी, मेरे ख्याल से अब तक तो आ जाना चाहिए था, राहुल राज मिश्रा सर को अब तक आ जाना चाहिए था, इतना लंबा परिचय मतलब क्या सर। और इसके बाद मैं नाम लेना चाहता हूं जनाब ललित दीपक जी का कि आप भी मंच पर आइए। और अगली कड़ी में नाम सुनने के बाद तालियों के साथ आपकी हंसी अगर न छूटे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं नाम लेता हूं जनाब विकास बौखल जी का, और वो आप दिख भी गए हैं और वो आ भी रहे हैं। और इसी के बाद मैं नाम लूंगा श्रीमती विभा तिवारी जी हमारे बीच में है, मैं नाम लूंगा, वो मंच पे आए और इस मंच की शोभा बढ़ाए। और इसी के साथ हमारे बीच में एक कवित्री है सुश्री शिवा त्रिपाठी जी, आप बस्ती से चलकर यहाँ आई हैं, तालियां की गड़गड़ाहट कुछ कम हो रही है, जब नाम लेने पे आपकी तालियां कम हो रही हैं तो मुझे ये आभास हो रहा है कि इनके शेर गजल में आपकी तालियां और कम ना हो जाएं। आप लोग थोड़ा सा जागते रहने का परिचय दीजिए, वैसे देख ही रहे कि देश चौकीदारों की बदौलत चल रहा है। और अगली कड़ी में मैं आवाज देता हूं हमारे अपने हमको बराबर आशीर्वाद देने वाले जनाब उदय प्रताप निर्जर साहब का कि आप मंच पर आए और अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। और इसके बाद मैं आवाज देता हूं जनाब अमन सुल्तानपुरी साहब, आप गजल के बहुत अच्छे गजल गायक हैं,
ये मंच पे हमने शायरों के महफिल को सजा दिया है और शायरों के साथ अगर मेहमान ना हो और मंच से अगर दाद ना मिले तो सारी बातें मेरे अपने ख्याल से बेजा लगेंगी। तो मैं मंच पे आवाज देता हूं अपने अतिथि महोदय को, जनाब राकेश सिंह साहब हमारे बीच में हैं, राजेश सिंह साहब, राजेश सिंह जी एडवोकेट आप हमारे बीच में हैं, आप मंच पर आए। मोहम्मद शाहिद नईम साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मोहम्मद शाहिद नईम साहब अगर हो तो वो मंच पे आए। मोहम्मद शाहिद नईम साहब प्रिंसिपल सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज, अच्छा अभी देर से आ रहे हैं, घर से निकल चुके हैं, अच्छा ठीक है। और मैं आवाज देता हूं जेसीआई शाहगंज संस्कार के अध्यक्ष और हम लोगों के इंजन जिसे कहा जाएगा, इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट ना हो तो सारे डब्बे फेल, अगर इंजन ना हो तो सारे डब्बे फेल हो। जैसे पंकज सिंह साहब को मैं आवाज दूंगा वो मंच की शोभा बढ़ाए, और इसी के बाद मैं अगली कड़ी में मैं अपने जेसीआई शाहगंज संस्कार के फाउंडर प्रेसिडेंट जिनकी लगन और कड़ी मेहनत के बाद आज वो शाहगंज से एक स्टार बन के ऐसा उभरे हैं कि वो चार प्रदेशों का एक मंडल है, मंडल तीन जेसीआई का जो मंडल तीन है उसमें चार स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, और उस मंडल तीन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उन्हें निदेशक बनाया गया है। मैं आवाज देता हूं जैसे गुलाम साबिर साहब को, गुलाम साबिर साहब वो मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन लगता है मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, अरे करीब आओ, करीब आओ, तुझे तोहफे में जिंदगी दे दूं, आप आइए तो सर। और इसी कड़ी में मैं आवाज देता हूं डॉक्टर वीरेंद्र विक्रम सिंह को, अगर मौजूद हो, डॉक्टर राकेश सिंह साहब को यदि वो उपस्थित हो, मुझसे एक गलती हो गई जिससे मैं इस मंच से क्षमा चाहता हूं। मेरी लिस्ट में मुझे लिखने में ये लिखा मैं हूं, मैं गलती हो गई इसलिए मैं कायदे से नवाजूंगा परम आदरणीय परम शरद थे रवि प्रकाश जी, आप कवि हैं, और मुझसे गलती हो गई कि मैं आपका नाम अमृत प्रकाश जी मैं आपका नाम नहीं ले पाया, कृपया आप मंच की शोभा बढ़ाए तो मुझे खुशी होगी। और मैं नाम नहीं ले पाया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब बहुत ज्यादा समय न गंवाते हुए अब इस मंच को मैं भी सोच रहा हूं कि मैं इस मंच को जो है कितनी जल्दी मैं इस मंच पर कितनी जल्दी छोड़ दूं, और एक जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनका चाय नाश्ता होता है, लेकिन जब मेहमान मंच पर आते हैं, मेहमान जब सामाजिक होते हैं तो उनकी अलग एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में होता है कि उन्हें सम्मान माला से दिया जाता है, और
माल्यार्पण की अगली कड़ी के बाद सीधे ये मंच शायरों और कवियों को होगा, वो अपने गजलों से अपने हास्य व्यंग से आपको नवाजेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो दूर दराज से चलकर हमारे कवि आए हैं यहाँ, उन्हें माल्यार्पण कर स्वागत करने का एक छोटा सा सिलसिला चंद मिनटों में मैं इसको पूरा करता हूं और फिर मैं अपना स्थान लेता हूं। ये कुर्सी मेरे लिए है और उसके बाद जो है आप हम और आप आनंद लेते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं कि माल्यार्पण कड़ी में जनाब के अग्निहोत्री साहब का आप माला बनाकर स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय, माल्यार्पण की अगली कड़ी में मैं चाहता हूं संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब गुलाम साबिर साहब, आप श्री दुर्गेश जी का, दुर्गेश दुबे जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और अगली कड़ी में हमारे बीच मौजूद फादर प्रिंसिपल समस इंटर कॉलेज, मैं आपको आवाज देता हूं कि आप हमारे कवि जनाब राहुल राज मिश्रा साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। फादर प्रिंसिपल आपका माल्यार्पण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं संतोष पांडे जी से चाहता हूं कि आप आए हैं, ललित दीपक साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। और अगली कड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि नहीं आए तो क्या होगा, मिर्जा सरयार बेग साहब से मैं चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो आप थोड़ा पीछे बैठे और माल्यार्पण करके आप आगे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप चाहता हूं कि मिर्जा सरयार साहब विकास बौखल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मिर्जा सरयार साहब, और इसी की अगली कड़ी में मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर रत्नेश सिंह साहब को आवाज देता हूं। डॉक्टर रत्नेश सिंह साहब आके आप विभात बिहारी मैम का पुष्प गुच्छ दें और उनका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री संतोष दीक्षित जी हैं, मैं आपको आवाज देता हूं कि आप मंच तक आए और हमारे बीच में शायर जनाब अमन सुल्तानपुरी साहब हैं, उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें। जनाब अमन सुल्तानपुरी साहब को। और हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक सिंह साहब हैं, पहली पंक्ति में बैठे हैं, उनको लेट नहीं करना चाहिए। आप उदय प्रताप सिंह निर्झर साहब को, मैं चाहता हूं कि आप निर्झर साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करें।
और मैं आवाज देता हूँ डॉक्टर एमएस खान साहब हमारे बीच में आ गए हैं, मोहम्मद शौकत खान साहब हमारे बीच में आ गए हैं, मैं दोनों तरह से नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब आए आए हाँ, डॉक्टर शौकत खान साहब हमारे बीच में आए और मैं चाहता हूँ क्या सर, मैं आपको पीछे ही देखा था, वही डॉक्टर शौकत खान साहब को मैं आवाज देता हूँ, आप आ जाइए, मेरी निगाहें ढूंढ रही थी लेकिन आप, खैर हम लोग छोटे लोग हैं तो छोटे पैर हैं आपके, आपके कदम लंबे, आप जल्दी चले, मैं उधर ही देख रहा था। आइए सर, आपका स्वागत है, आप अमृत प्रकाश जी को माल्यार्पण करके आपका स्वागत करें। और हमारे बीच डॉक्टर आलोक सिंह पालीवाल साहब हैं, मैं आपको आवाज देता हूं कि आप शिवा त्रिपाठी मैम का, मैम को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। और अगली कड़ी में इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मंच के जिम्मेदार हमेशा यही कहते हैं कि बाकी सारे लोगों की तरफ से कोई गलती हो तो उसे माफ करें, और मैं एक माला देकर जो है सारे लोगों की तरफ से एक माला देता हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा इसलिए कि फराग गोरखपुरी का एक शेर है कि फराग अपने तारुफ को ये बात काफी है, हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम हो जाए। और इसलिए मैं मोहतरमा शबनम रिजवी साहिबा से आखिरी माला आप सभी लोगों की तरफ से मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप मंच तक आए, अपना नाम सुनने के बाद भी आप ठिठकी नहीं ये क्या, आप भी आप आए और मोहतरमा शिवा त्रिपाठी जी को एक सबकी तरफ से एक माला पहना कर, मैं ये नहीं कहूंगा पुष्प कुछ देकर, एक माला पहना कर और माल्यार्पण की कड़ी को यहीं से हम रोक रहे हैं और इस मंच को हम अपने कवि और शायरों के हवाले कर रहे हैं जो ये कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनको जो आप सुनने वाले हैं और ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरी इल्तिजा यही है कि आप ऐसा सुनिए, ऐसा इन्हें दादो तरजीह से नवाजिए, ऐसा इनके साथ तालियां बजाइए, इनके साथ कदम ताल करें कि कम से कम ये कहें कि हम अधूरी प्यास लेकर जा रहे हैं, तृप्ति का एहसास लेकर जा रहे हैं, मिल गए हमको सुनहरे पल यहाँ, याद की मधुभास लेकर जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे हमें अपने यहाँ, ऐसा एक विश्वास लेकर जा रहे हैं। शुक्रिया, खुदा खुदा। मैं आवाज देता हूँ, जाते जाते मैं एक आवाज देकर जा रहा हूँ मंच संभालने के लिए जनाब विकास बौखल साहब, और मैं एक शेर के साथ इससे पहले मंच संचालन से पहले, अभी ये मंच मेरा है।